जय जगन्नाथ। हाय फ्रेंड्स, आज आम वन मार्क क्वेश्चन रो सेकंड पार्ट को डिस्कस करिबा। प्रीवियस वीडियो रे आम क्वेश्चन नंबर 15 जाए डिस्कस करथिले। वर्तमान आम 16 टू आगो को प्रोसीड करिबा। तो 16 नंबर क्वेश्चन रे देथिला कि व्हेन टू प्रोपानॉल इज ट्रीटेड विथ थायोनिल क्लोराइड आमको प्रोडक्ट रे कौन मिलिबो। तो मुझे लिखिली व्हेन टू प्रोपानॉल इज ट्रीटेड विथ थायोनिल क्लोराइड प्रोड्यूस टू क्लोरोप्रोपेन। तो रिएक्शन रे टू प्रोपानॉल गोटे सेकेंडरी अल्कोहल तुम मैंने जानी जो जोटा कि थायोनिल क्लोराइड सांगे रिएक्ट करके आमको गोटे टू क्लोरोप्रोपेन प्रोडक्ट देला। सेमती सेकेंडरी क्लोराइड आउ ता सांगे आमको सल्फर डाइऑक्साइड गैस आउ HCl मिलला। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन ने कौन थिला गोटे कन्वर्जन देखला। तो फास्ट अल्किल सियानाइटा सोडियम इन इथाइल अल्कोहल प्रेजेन्स रे आमको अमीन देखला गोटे प्राइमरी अमीन। आ प्राइमरी अमीन देन NaNO2 आउ HCl प्रेजेन्स रे आमको डायजोनियम सॉल्ट देला। एटा गोटे प्रकार डायजोटाइजेशन रिएक्शन और हमको प्रोडक्ट रे डायजोनियम सॉल्ट मिलला। नेक्स्ट है 18 नंबर क्वेश्चन ने थिला बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्किल हैलाइड इज हायर देन दैट ऑफ द करेस्पेंडिंग हाइड्रोकार्बन व्हाई। द रीजन है अल्किल हैलाइड आर मोर पोलर एंड एज ए रिजल्ट Dipole-dipole interaction and van der Waals forces are more operative or more stronger than hydrocarbon. Due to polarity in alkyl halide have more boiling point than hydrocarbon. Then proceed to 19 number question. 19 number question ne pachari thila Teflon ra monomer kiye. तो टेफ्लन रा मोनोमर होची टेट्राफ्लोरोइथिन बा टेट्राफ्लोरोइथिलीन। तो देखो तार पॉलीमराइजेशन एटा गोटे पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। तो टेट्राफ्लोरोइथिलीन बा टेट्राफ्लोरोइथिन एडिशन पॉलीमराइजेशन हेकी आमको टेफ्लन नामक गोटे पॉलीमर देला। नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन पचारा हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड प्रेजेंट इन आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। आइसोप्रोपाइल क्लोराइड रे केतोटी सिग्मा आउ केतोटी पाई बॉन्ड अछि। तो देखो मु स्ट्रक्चर टी को पूरा ओपन करके लिखी तो देखु एथिरे सब गुड़िक आमको सिग्मा बॉन्ड अछि कोठे भी डबल बॉन्ड नाही। आम जानी डबल बॉन्ड थिले ही पाई बॉन्ड आसे इथि जेहेतु कोनोसी डबल बॉन्ड नाही तेणु टोटल 10 सिग्मा बॉन्ड एथिरे रहिछे। नेक्स्ट जीवा आमे 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन नाम पचार थिला उर्ज पिटिंग रिएक्शन का को कोंती। तो उर्ज पिटिंग रिएक्शन टा हेउची व्हेन अल्किल हैलाइड एंड आरिल हैलाइड टे बल से ध्यान दियो बोथ अल्किल हैलाइड एंड आरिल हैलाइड अंडरगो कपलिंग रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम इन ड्राई एथर टू फॉर्म अल्किलेटेड आरोमेटिक हाइड्रोकार्बन एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड उर्ज फिटिंग रिएक्शन। तो कौन है रिएक्शन रे गोटे आमर आरिल हैलाइड माने सपोज ब्रोमोबेंजीन आ गोटे अल्किल हैलाइड माने मिथाइल ब्रोमाइड कहा प्रेजेन्स रे सोडियम इन इथर बा सोडियम इन ड्राई इथर आमको कौन दबो अल्किलेटेड आरोमेटिक हाइड्रोकार्बन माने सपोज टोलुइन। तो टोलुइन गोटे अल्किलेटेड आरोमेटिक हाइड्रोकार्बन अब ता संगरे बाय प्रोडक्ट मिलो हमको सोडियम ब्रोमाइड। तो आर आउ गोटे भी क्वेश्चन है परबा गोटे ला उर्ज फिटिंग रिएक्शन गोटे ला उर्ज रिएक्शन। तो देखिबा हमें एबे उर्ज रिएक्शन टा कोन। तो उर्ज रिएक्शन हैला अल्किल हैलाइड रिएक्ट विथ सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ एनाहाइड्रस इथर टू फॉर्म अल्केन। तो कौन है एठी केवल अल्किल हैलाइड टी रिएक्ट करिवो सोडियम मेटल प्रेजेंस रे सोडियम मेटल आउ एनाहाइड्रस इथर प्रेजेंस रे।
तो आमको सेमती एल्केन मिलिबो आउ बाय प्रोडक्ट भाबरे सोडियम हैलाइड मिलिबो। नेक्स्ट आम जा 22 नंबर क्वेश्चन को 22 नंबर क्वेश्चन रे पचार सिंपल गोटे रिएक्शन कि इथाइल आयोडाइड सांगे एजीसीएन रिएक्ट करके आमको प्रोडक्ट रे कौन मिलिबो, आमको प्रोडक्ट रे इथाइल आइसोसियानाइड मिलिबो। जेते बेले एजीसीएन एल्किल हैलाइड सांगे रिएक्ट करे आमको इथाइल आइसोसियानाइड प्रोडक्ट आकार रे मिले। नेक्स्ट जीवा 23 नंबर क्वेश्चन ने पचार क्लोरोबेंजीन इज लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड व्हाई, कहीं क्लोरोबेंजीन टा लेस रिएक्टिव न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आड़कू। द रीजन हला इन क्लोरोबेंजीन कार्बन क्लोरीन बॉन्ड इज शॉर्टर, कहीं क्लोरोबेंजीन ने कार्बन आउ क्लोरीन न बॉन्ड शॉर्टर, कहीं जाच कि क्लोरोबेंजीन रे क्लोरीन टी जो बेंजीन को लगी सी sp2 हाइब्रिडाइज, sp2 हाइब्रिडाइज रे बॉन्ड लेंथ कमी जाए का तुलन रे बॉन्ड लेंथ कमी जाए थाए अल्केन मानक तुलन रे बा sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन तुलन रे। जेहेतु बॉन्ड लेंथ कमी जाए तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ी जाए, तो लिखा है से ही क्लोरोबेंजीन इन क्लोरोबेंजीन कार्बन एंड क्लोरीन बॉन्ड इज शॉर्टर एंड स्ट्रॉन्गर एंड हेन्स द मॉलिक्यूल इज मोर स्टेबल। ऑल्सो देयर इज सम डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप्ड इन क्लोरीन ड्यू टू डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय रेजोनेंस। तो जब आम क्लोरोबेंजीन को रेजोनेंस रे नबा तो आम देखा कि रेजोनेंस डिफरेंट टाइप रा कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर ड्र कला आम गोटे जगार देखा कि क्लोरीन उपरे भी सम काइंड ऑफ डबल बॉन्ड कैरेक्टर रही, तेणु क्लोरीन इज फर्मली लिंक टू द रिंग एंड कैन नॉट बी इजिली रिप्लेस बाय न्यूक्लियोफाइल्स। तेणु जेहेतु क्लोरीन उपरे किछि परिमाणर डबल बॉन्ड कैरेक्टर रही, तेणु आम यह आउ गोटे अलग न्यूक्लियोफाइल द्वारा सब्स्टिट्यूटेड करिपारिबा नाही, तेणु क्लोरोबेंजीन टी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आड़क लेस रिएक्टिव होता है। नेक्स्ट जीवा 24 नंबर क्वेश्चन को 24 नंबर पचार कि फेरन टा एक्चुअली कौन बा फेरन उपर गोटे शॉर्ट नोट, तो फेरन होची कौन ना फ्लोरोकार्बन्स एंड ऑल्सो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। द मोस्ट कॉमन यूज फेरन इज फेरन 12 व्हिच इज डाइक्लोरोफ्लोरोकार्बन। फेरन इज यूज एज रेफ्रिजरेंट प्रोपेलेंट इन एरोसोल एंड नॉन करोसिव। देन कम्स टू 25 नंबर क्वेश्चन, 25 नंबर क्वेश्चन ने पचार व्हेन ब्रोमोबेंजीन इज रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड नाइट्रो ग्रुप ऑक्युपाइज ऑर्थो एंड पारा पोजिशन। तो गोटे सिंपल रिएक्शन ही पचार था कि ब्रोमोबेंजीन जब नाइट्रिक एसिड आउ सल्फ्यूरिक एसिड रो मिक्सचर रे रिएक्शन करिबो तो हमको प्रोडक्ट रे कोन दबो, तो सिंपल ब्रोमोबेंजीन को आमे नाइट्रिक एसिड एंड इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड रे रिएक्ट कला परे से हमको गोटे ऑर्थो आइसोमर आ गोटे पारा आइसोमर टे दबो, जोडा कि तमे देखि पारो जो रिएक्शन करके लिखा है छि। देन 26 नंबर क्वेश्चन ने पचथला यूज ऑफ ट्राइक्लोरोमीथेन, द ट्राइक्लोरोमीथेन इज यूज्ड एज एनेस्थेसिक, इट इज यूज एज प्रिजर्वेटिव फॉर बायोलॉजिकल स्पेसिमेन, ट्राइक्लोरोमीथेन इज यूज एज इंपोर्टेंट सॉल्वेंट फॉर फैट रबर वैक्सेस एंड रेजिन्स एंड इट इज ऑल्सो यूज फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ रेफ्रिजरेंट। 27 क्वेश्चन ने पचार सैंडमेयर रिएक्शन कौन, तो सैंडमेयर रिएक्शन कौन लिखाई क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय ट्रीटिंग फ्रेशली प्रिपेयर्ड डाइजोनियम सॉल्ट्स सॉल्यूशन विथ क्यूप्रस क्लोराइड, एटा मोस्ट इम्पोर्टेंट कि क्यूप्रस क्लोराइड और क्यूप्रस ब्रोमाइड सांगे डिजल्व है कि इन प्रेजेन्स HCl एंड HBr। तो आमको यही रिएक्शन को आम सैंडमेयर रिएक्शन कहवा और तले सैंडमेयर रिएक्शन को रिएक्शन टा लिखाई कौन है मेन जिनस फास्ट है डायजोनियम सल्ट निहाती दरकार, क्यूप्रस क्लोराइड व क्यूप्रस ब्रोमाइड दरकार, जो
जो हालाइट तुम्हें नहीं थी क्यू प्लस क्लोराइड तुम्हें नहीं थी तुमको क्लोरीन मिले जब क्यू प्लस ब्रोमाइड नहीं थी ब्रोमीन मिले आगे एच सी एल आच बी आर रेस्पेक्टिव भाव में तुमको नाक पड़ो तो रिएक्शन टी गला आ लास्ट नाइट्रोजन इवोल्यूशन हम नेक्स्ट है 28 नंबर क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन रे रिएक्शन टी केवल पचार रिएक्टेंट देखा आमको रिएक्शन कंडीशन दे तो अल्किल हैलाइड इन प्रेजेंस ऑफ सिल्वर एसिटेड या फिर प्रोपियोनेट हमको कौन दब तो हमको रिएक्शन ने देला इथाइल प्रोपियोनेट एजीसीएल रिमूव हला बा प्रेसिपिटेड हला देन इथाइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ केसीएन और इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल हमको दब कौन इथाइल सियानाइड केसीएल एज बाय प्रोडक्ट सेमती 30 नंबर क्वेश्चन ने थिला अल्किल आइसोसियानाइड ऑन रिडक्शन हमको दब सेकेंडरी अमीन 31 नंबर क्वेश्चन ने थिला कि इन विल तार आंसरटा मुझे लिखी केवल इन विल्सन रिएक्शन अल्किल हैलाइड्स इज ट्रीटेड विथ सोडियम अल्कोक्साइड देन जीबा हमें 32 नंबर क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन ने दुईटा रिएक्शन पचार देख गोटे अल्किन देजी अनसिमेट्रिकल अल्किन संगे आमे मिसेबा एच बी आर गोटे पार्ट है इन प्रेजेन्स अफ पेरोक्साइड आ गोटे पार्ट है इन प्रेजेन्स इन आबसेन्स अफ पेरोक्साइड तो इन प्रेजेन्स अफ पेरोक्साइड रे लिखी पेरोक्साइडटा किए इन प्रेजेन्स अफ पेरोक्साइड रे आमको वन ब्रोमो पेपाइन मिल आपको आम खारास इफेक्ट कहले आउ इन आबसेन्स अफ पेरोक्साइड आमको मिल टू ब्रोमो प्रोपेन जहाँ को आम मार्कोनिकॉप्स रूल कहले नेगेटिव पार्ट अफ द एडेंडम डिफरेंट रिएक्शन ने डिफरेंट डिफरेंट जगार अटाच होती खारास इफेक्टर कौन है नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडेंडम टा फर्स्ट पोजीशन बा पोजीशन नंबर वन रे अटाच होती तेणु आम वन ब्रोमो प्रोपेन पाइले किंतु मार्कोनिकॉप्स रूल रे नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडेंडम टी पोजीशन नंबर टू रे अटाच होती जो कम हाइड्रोजन अच्छे से अटाच होती तेणु आमको टू ब्रोमो प्रोपेन मिलला देन आम 33 नंबर क्वेश्चन देख 33 नंबर क्वेश्चन ने कौन है ए रिएक्शन ने देख इथाइल अल्कोहल सांगे रे फास्फोरस पेंटाक्लोराइड मिसी आमको इथाइल क्लोराइड दे आउ H3PO3 एसिड दे बी रे थिला इथाइल ब्रोमाइड का सांगे मिस अल्कोहलिक KOH सांगे मुझे कही अल्कोहलिक KOH सांगे मिसले कौन हम आमको इथिन मिल आदि एक्वस KOH सांगे मिसो आमको अल्कोहल मिल मुझे प्रीवियस वीडियो रे आउ थे जाके देखीदेव इंपोर्टेंट जिनस पचारिपे देन सी सी रे सेमती सिल्वर प्रोपियोनेट सांगे ब्रोमिन आड होती आमको इथाइल ब्रोमाइड दे AGBr दे कार्बन डाइऑक्साइड दे 34 नंबर क्वेश्चन पचारिता ऑर्डर ऑफ हायर बॉइलिंग पॉइंट तो हायर बॉइलिंग पॉइंट कहार बेसी बॉइलिंग पॉइंट आउ काही तो इथाइल आयोडाइड बॉइलिंग पॉइंट इथाइल ब्रोमाइड ठू अधिक देन ब्रोमाइड क्लोराइड ठू अधिक काहीं द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिकम स्ट्रॉन्गर एज द अल्किल हैलाइड इज बिगर इन साइज सो बॉइलिंग पॉइंट इज हायर इन केस ऑफ इथाइल आयोडाइड देन हमें जी 35 नंबर क्वेश्चन को 35 नंबर क्वेश्चन ने इन द पेयर ऑफ टर्सियरी क्लोराइड एंड प्राइमरी क्लोराइड टर्सियरी हैलाइड एंड प्राइमरी हैलाइड व्हिच वन अंडरगो SN2 रिएक्शन एंड व्हाई तो टर्सियरी हैलाइड आउ प्राइमरी हैलाइड भितर किए SN2 रिएक्शन देखेब तो लिखाई प्राइमरी माने मिथाइल क्लोराइड अंडरगो SN2 रिएक्शन काहीं SN2 रिएक्शन को से जीव कारण SN2 रिएक्शन SN2 रिएक्शन रे न्यूक्लियोफाइलिक अटैकटा बैक साइड रही था लिखा इन SN2 रिएक्शन अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल अकर फ्रॉम बैक साइड सो स्मॉलर ग्रुप अटैच टू द कार्बन फेवर द रिएक्शन जेहेतु बैक साइड अटैक हुए तेणु जेतु जिते स्मॉलर ग्रुप अटैच होती है कार्बन आटम को से आम रिएक्शन टा फेवर कर जदि बल्कियर ग्रुप लगी देन स्टेरिक हिंड्रेन्स घोड़े हो तो न्यूक्लियोफाइल टा कार्बन सेंटर को
अटैक करिया पई डिफिकल्ट हबो तेनु हमकु स्मॉलर साइज थिबा ग्रुप को नेले आमे SN2 रिएक्शन टा बेसी फेवर करबो तेनु प्राइमरी हैलाइड ही SN2 रिएक्शन देखेबो भलो का अपेक्षा टर्शियरी हैलाइड अपेक्षा तठी रिएक्शन रो इलेक्ट्रॉन मोमेंट भी करी देखाई छी तो अटैक हैला न्यूक्लियोफाइल OH माइनस तो ट्रांजिशन स्टेट गला देन ट्रांजिशन स्टेट रु कहला ना इनवर्टेड शेप हैला हमको मिलिथिबा मिथानॉल टी इनवर्टेड शेप देखो देखो कोन हिची जते बेले आमे नेइथिले मिथाइल क्लोराइड तो हाइड्रोजन मानकर पोजीशन गोटे साइड रे थिला किंतु हमको प्रोडक्ट रे जतेले मिथानॉल मिलला से आ गोटे साइड को उल्टी जाइची तेनु आको अम्ब्रेला इफेक्ट मध्य कोहंती देन आमे 36 नंबर क्वेश्चन को डिस्कस करबा 36 नंबर क्वेश्चन रे थिला एक्सप्लेन SN1 रिएक्शन इन टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड विथ aqueous KOH solution तो सिंपल एडा SN1 मेकानिजम रे तमे कोन करबा जेतु एस मु पूर्व कहली कि प्राइमरी हैलाइड माने कोन वेबर करंती SN2 रिएक्शन तो तार उल्टाटा टर्शियरी हैलाइड माने कोन करंती SN1 रिएक्शन फेवर करंती तो SN1 रिएक्शन ना एटा होजी मेकानिजम फर्स्ट aqueous KOH टा aqueous मीडियम रे ब्रेक करबो K+ आउ OH- रे OH- टा हमरो न्यूक्लियोफाइल बा नेगेटिव न्यूक्लियस लॉबिंग तो OH- टा ही हमरो न्यूक्लियोफाइल जे की हमरो टर्शियरी ब्रोमाइड को अटैक करबो तापर कोन हैला टर्शियरी ब्रोमाइड टा स्लोली ब्रेक कला कार्बोकैटायन रे कन्वर्ट हैला टर्शियरी कार्बोकैटायन ब्रोमाइड आयन लीव हो गला बा ब्रोमाइड आयन को हमें कौन कहबा लिविंग ग्रुप तापर हमर टर्शियरी कार्बोकैटायन संगे न्यूक्लियोफाइल टी रिएक्शन कला परे जोटे रिएक्शन टी फर्स्ट रिएक्शन हमको मिला टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल तो एठी कौन हैला तुम्हारा सब वन मार्क क्वेश्चन गुड़ी कर आंसर गुड़ा को पूरा एक्सप्लेनेशन सहित सरला नेक्स्ट आम क्वेश्चन टू मार्क क्वेश्चन और थ्री मार्क क्वेश्चन को डिस्कस करवा वीडियो टे जदि भल लागी थिबो लाइक शेयर सब्सक्राइब करदेव आउ भलसे एग्जाम पई प्रिपेयर करिबो।